One upon one plus log of BC to the base a plus one upon one plus log of CA to the base b plus one upon one plus log of AB to the base c is. So, here the given expression is one upon one plus log of BC to the base a. प्लस वन अपॉन वन प्लस लॉग ऑफ सी ए टू द बेस बी प्लस वन अपॉन वन प्लस लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी अब ये वन को एलिमिनेट करने के लिए हम इसे रिप्लेस करेंगे बाय लॉग ए टू द बेस ए बिकॉज ये जो लॉन्ग टर्म है उसका बेस है ए तो इस वन को हम पहले रिप्लेस कर देते हैं बाय लॉग ए टू द बेस ए प्लस ये टर्म एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए प्लस वन अपॉन अब यहां पर जो लॉन्ग टर्म है इसका बेस है बी तो ये जो वन है इसे हम रिप्लेस करेंगे बाय लॉग ऑफ बी टू द बेस बी प्लस लॉग सी ए टू द बेस बी वैसे ही तीसरे टर्म में वन को हम रिप्लेस करेंगे बाय लॉग सी टू द बेस सी और ये वाला टर्म एज इट इज प्लस लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी अब हम इजिली ये लॉग टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं डिनोमिनेटर वाले जो लॉग टर्म्स है तो ये आएगा लॉग ऑफ अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू बी सी सो दैट बिकम्स लॉग ऑफ ए बी सी और बेस आ जाएगा ए प्लस वन अपॉन अगेन बी इन टू सी ए सो दैट इज अगेन ए बी सी तो ये भी हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी और बेस में आएगा बी प्लस वन अपॉन अगेन सी इन टू ए बी सो दैट इज ए बी सी तो हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी और बेस में आ जाएगा सी अब अगर ये लॉन्ग टर्म को हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो ये बेस और ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज द आर्ग्यूमेंट एंड ए इज द बेस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए और बेस में आएगा ए बी सी सिमिलरली इसे अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ बी एंड बेस में ए बी सी प्लस दिस बिकम्स लॉग ऑफ सी एंड बेस में ए बी सी अब बेस सेम है सारे लॉग टर्म्स का और बीच में एडिशन है तो इनका कन्वर्जन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में सो दिस बी लॉग ऑफ ए इन बी इन सी एंड बेस इज अगेन ए बी सी अब लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी इसकी वैल्यू होती है वन सो फाइनल आंसर इज वन ऑप्शन देखते हैं so, सही आंसर है ऑप्शन C